जिंदाबाद। ऑल जैन के पटवारों सेशन जिंदाबाद। ऑल जैन के पटवारों सेशन जिंदाबाद। इथा दे पटवारिया जिंदाबाद। इथा दे पटवारिया जिंदाबाद। तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो। तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो। नाजायज हरासमेंट बंद करो बंद करो बंद करो। नाजायज हरासमेंट बंद करो बंद करो बंद करो। पटवार खाना तामीर करो तामीर करो तामीर करो। पटवार खाना जो तामीर करो तामीर करो तामीर करो। ऑफिस दोगे काम करेंगे वरना हमारा करेंगे। ऑफिस दोगे काम करेंगे वरना हमारा करेंगे। ऑफिस दोगे काम करेंगे वरना हमारा करेंगे। इठा दे पटवारिया जिंदाबाद। इठा दे पटवारिया जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी जो ये फरियाद है हुकूमत बाला तक पहुँचाने के लिए आप हमारे बीच में आए। इसके लिए आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहाँ तक हमारी इस हड़ताल का ताल्लुक़ है तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जम्मू में हमारे कुछ साथी जो थे जो गालिबन 2018-19 के रिक्रूटी हैं उनको ये एलिगेशन लगा के कि 1990-91 का रिकॉर्ड जो मिसिंग है उस कंटेक्स्ट में उनके खिलाफ़ एक FIR लगाई गई और उनको बिला किसी जवाज़ के बिला किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के अरेस्ट किया गया और उनको हिरासत में लिया गया। तो ये जो स्ट्राइक थी उनकी रिहाई के लिए फौरी रिहाई के लिए हमने पूरे सबसे पहले जम्मू डिस्ट्रिक्ट में दी स्ट्राइक और उसके बाद ये स्ट्राइक जो है आगे फैलते हुए पूरे प्रोविंस में चली गई और कल से ऐसा हुआ कि हमारा कश्मीर प्रोविंस भी इस स्ट्राइक में शामिल हो गया है। तो हमने ये 3 दिन की टोकन स्ट्राइक जो है अपने साथियों के उस दुख दर्द में शामिल होने के लिए दी हुई है। न सिर्फ इस मसले में बल्कि हमने हमारी जो बहुत सारे मुतालबात गवर्नमेंट के पास अरसा देरीना से पड़े हुए हैं उन मामलात की जो हल हम चाहते हैं उसके लिए भी हमने ये हड़ताल की काल दी है। आपकी डिमांड्स क्या क्या है? जैसे कि यहाँ पे आपने यहाँ पे कुछ स्लोगन्स रेज किए, ऑफिस दोगे काम करेंगे वरना हम आराम करेंगे, इसके अलावा क्या क्या डिमांड्स हैं आपकी? जी वसीम साहब, मैं आपको बताऊँ कि जहाँ तक हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है वो गवर्नमेंट के सामने आज से नहीं बल्कि हम तकरीबन गालिबन 10 साल से गवर्नमेंट को हम वक्तन फवक्तन बावर करवाते आ रहे हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हैं। उसमें सबसे पहली बात जो है वो है हमारे ऑफिस की प्रॉब्लम। जहाँ तक हमारे साथियों का ताल्लुक है तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी J&K UT के अंदर तकरीबन 3741 मवाजियात हैं और उसमें हमारे 810 पटवार हल्का जात हैं। तो इस तरह से तकरीबन 4000 के मवाजियात पर हमारे 800 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पटवार हल्का जात हैं ये अंग्रेज़ों के दौर के बने हुए हैं। 1905 के वक्त के राजा महाराजा के वक्त के बने हुए हैं पटवार हल्का जात। तो इन पटवार हल्का की डिलिमिटेशन आज तक नहीं हो पाई है और हमने अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि डिलिमिटेशन कमीशन गालिबन 9 साल पहले एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नए कायम किए गए, नए डिस्ट्रिक्स कायम किए गए, नए नयाबते कायम की गई, नए तहसील यूनिट्स कायम किए गए, लेकिन आज तक जो ग्राउंड लेवल पर इनको काम करना था इन्होंने आज तक इस काम को अंजाम नहीं दिया और वहाँ जो मैन पावर काम करने वाली चाहिए थी वो आज तक इन्होंने एनहांस नहीं की और हमारे पटवारियों पर इतना बोझ आज की डेट में पड़ा हुआ है। जहाँ पहले आबादी 1000-2000 की थी आज वहाँ 10000-20000 की आबादी मतलब बढ़ गई है और डे टू डे जो मिसलेनियस वर्क हमारे साथियों का है और ऊपर से सरकार का जो काम दिन ब दिन आए दिन हमारे सरकार की तरफ से भी जो काम हमारे हमें सुपुर्द किए जाते हैं हमें कहने को करने को कहा जाता है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की